वी आर गोइंग टू डिस्कस द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एट पर्टिकुलर एंगल। हम लोग आज क्या आज हम लोग डिस्कस करने जाने वाले हैं कुछ एंगल का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू होगा वो पर्टिकुलर एंगल के लिए क्या होगा उसको हम लोग को सबसे पहले उसको याद रखना पड़ेगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं बड़े बड़े एंगल का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आपका 180, 360, ठीक है, ये सारे एंगल जो है इससे भी ज़्यादा 1440, ये सब सारे एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। आपको ये सारे चीज़ का वैल्यू आपको याद रखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें एक टेबल आपको बना के रखे हुए हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कम से कम इसको 190 तक याद रखें, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ये आप जो है ये आगे का कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, ठीक है, आगे का आपको बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें, यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा का जो 0 डिग्री में क्या वैल्यू होगा, यहाँ पे इधर थीटा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, ये दिया हुआ है। और ये इधर थीटा होगा, इधर आपका टी रेशियो होगा, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ टर्म्स याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले थी द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज नॉन एज कॉसेक थीटा, द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा इज नॉन एज सेक थीटा, द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा इज नॉन एज कॉट थीटा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है ना, वो आपका साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो आपका यहाँ पे जो है एक्चुअली जो इसका जो वैल्यू होगा माइनस वन और वन के बीच में लाई करता है, ठीक है। इसका जो वैल्यू होगा आपका माइनस वन और वन के बीच लाई करेगा आपका, तो आप यहाँ पे देखें यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उसको आपको डिस्कस करना है कि 0 और 90 के बीच उसका एंगल के उसका वैल्यू क्या होगा। तो आप देखिए 0 और 90 के बीच अगर आपका देखें तो सबसे पहले इसको जो है आप इसका 0 डिग्री में इसका जो वैल्यू होगा आपका पता होगा आपका 0 होगा, ठीक है। ये 0 डिग्री में इसका वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री होता है। उसके बाद जो इसको हम ट्रिक से भी बता देंगे याद करने के, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका वैल्यू को देख लें आप, ठीक है। दूसरा जो वैल्यू होगा आपका क्या होगा, 1/2 होगा, ठीक है, 1/2 होगा। उसके बाद जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1/√2 होगा, 1/√2 होगा, ठीक है, 1/√2 होगा। नेक्स्ट जो वैल्यू होगा 3/2 होगा, ठीक है, 3/2 होगा। और नेक्स्ट जो होगा 1 होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हम पहले लिख दिए, ठीक है, इस वैल्यू को हम लिख दिए यहाँ पे। सबसे पहले जो साइन थीटा का क्या आया, साइन 0 का वैल्यू 0 हुआ, साइन 30 का वैल्यू 1/2 हुआ, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है, और साइन 60 का जो वैल्यू है 3/2 है, साइन 90 का वैल्यू जो है 1 है, ठीक है। 180 का हम डिस्कस कर रहे हैं इसका क्या होगा। और फिर आप क्या कीजिए, इसी को आप रिवर्स कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप रिवर्स करेंगे तो आप कॉस थीटा का वैल्यू मिलेगा, मतलब जहाँ से 1 से स्टार्ट किए यहाँ पे इधर 1 का एंड हुआ यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये आपका ये हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा ये। फिर ये क्या हो जाएगा आपका, 3/√2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जस्ट हम उसको रिवर्स से लिख रहे हैं, ये होगा 1/√2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे हम क्या किए यहाँ पे, जस्ट हम इसका ऑपोजिट को लिख दिए, मतलब यहाँ जस्ट हम लोग क्या करें कि जो साइन थीटा का जो वैल्यू था 0 1/2 1/√2 √3/2 1, अब जस्ट उसका रिवर्स से लिख के कॉस का वैल्यू हो गया वो, ठीक है। तो आपको ये समझना है यहाँ पे कि जो साइन 30 का जो वैल्यू होगा, ठीक है, जैसे मान लेते हैं जो साइन 30 का है, आप इसकी कम्प्लीमेंट देखें, 30 का कम्प्लीमेंट कितना होगा आपका, तो यहाँ पे देखें साइन कम्प्लीमेंट इसका 60 होगा, तो इसका साइन जो कॉस 60 का उसका वैल्यू होगा, ठीक है, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट का काम करेगा। यहाँ पे आप अगर देखेंगे साइन 30 का जो वैल्यू होगा वो सब कॉस 60 का होगा, ठीक है, साइन 30 का जो वैल्यू होगा कॉस 60 का होगा, और जो साइन 60 का जो वैल्यू होगा, ठीक है, साइन 60 का वैल्यू मतलब इसका कम्प्लीमेंट 30 हो गया तो कॉस 30 का इक्वल होगा, ठीक है। आप थोड़ा सा दिमाग में रखें, जैसे अगर साइन 90 का हो तो 90 का कम्प्लीमेंट क्या हो, 90 तो हो ही गया आपका, एक 0 बचा तो उसका 0 का वैल्यू होगा, ठीक है, कॉस 0 वाला वैल्यू आएगा। तो जैसे साइन 90 का 1 होता है तो कॉस 0 का 1 होगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये कम्प्लीमेंट एंगल होता है यहाँ पे। जैसे आपको थोड़ा सा एक वैल्यू याद रखें, दूसरा वैल्यू को आप सोचें ये बात क्या कि जो उसका कम्प्लीमेंट क्या बचा हो, वो कब साइन जो उसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, जैसे साइन 45 तो उसका 45 का कम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका 90 - 45 तो 45, सो 45 मतलब कॉस 45 और साइन 45 का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। टेन थीटा जो होगा आपको पता होगा, टेन थीटा के लिए आप लोगों को जानते होंगे, टेन थीटा जो होगा वो आपका जो रेशियो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो आप समझें कि 0/1 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो पता होगा आपको ये क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, 0/1 का डिवाइड करेंगे तो ये 0 होगा। नेक्स्ट जो है
अगर हम लोग नीच देखें ये दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो आप देखें यहाँ पे 1/2 और रूट अंडर 3/2 में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1/√3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप 1/√2 और 1/√2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। और √3/2 और 1/2 अगर कटनी है अगर इसको सॉल्व में डिवाइड करें तो ये पे क्या बचेगा √3 होगा। और 1/0 आपको पता होगा 1/0 नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि जीरो से कोई भी चीज़ को अगर हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक जो टर्म्स आपको मिलने आपको मिला क्या कि आपको जो है सबसे पहले जो 0/1 जब भी होगा आपका तो वो आपका हमेशा क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे 1 से कोई भी चीज़ को 0 से डिवाइड करें तो 0 ही होगा, ठीक है। अगर 1/0 हो जाए तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। ये चीज़ होगा आपका नेक्स्ट थिंग जो है, सबसे पहले नेक्स्ट थिंग जो होगा अब हम लोग कॉट थीटा करते हैं, ठीक है। तो कॉट थीटा का पता होगा, जीरो का अपोजिट तो आपको पता होगा, जीरो का अपोजिट क्या होगा 1/0, ठीक है। जीरो का अपोजिट क्या होगा, अगर जीरो का अपोजिट लिखें तो क्या ले हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, क्योंकि 0/1 तो 1/0, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताएं, यहाँ पे हो जाएगा आपका जीरो का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो पहला का जो केस होगा ये आपका क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। ये आपका नॉट डिफाइंड का केस होगा। आप फिर देखें ये जो वैल्यू होगा टेन थीट कॉट थीटा, इसका जो वैल्यू का रिवर्स होगा तो 1/√3 का जो होगा क्या होगा, √3/ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आप फिर देखें 1 का अपोजिट आप क्या सोचेंगे, 1/1 है तो ये 1 ही होगा, ठीक है। 1/1 है तो यहाँ पे √3/ क्या है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/√3। और आपको पता होगा ये जो नॉट डिफाइन कैसे आता है आपका, इस तरह 1/0 से ये पलटे इसको रिवर्स करेंगे 0/1 तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉट थीटा का ये आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग जो है आपको है ये हम आपको कॉस थीटा का बताते हैं। कॉस थीटा में आप सबसे पहले देखें कि कॉस थीटा में जो है 1 का जो रिवर्स अगर करेंगे तो आपको पता होगा कॉस थीटा अगर 1 का रिवर्स करेंगे तो 1 ही होगा, क्योंकि 1/1 होगा। तो यहाँ पे डोंट वरी, तो आपको 1 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इसको 1 लिखेंगे। उसके बाद जो है अगर √3/2 का अगर रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, 2/√3, ठीक है। अब 1/√2 को अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा आपका √2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है 1/2 का करेंगे क्या होगा, 2/1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। और 0 का बता चुके हैं पहले क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। अब हम लोग कॉसेक थीटा को देखते हैं। कॉसेक थीटा में आपको पता होगा ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल का मतलब आपको पता हो जाना चाहिए, आपको 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, तो 0 का 0 1/0 दैट इज द क्या होगा, नॉट डिफाइन, ये आपका नॉट डिफाइन होगा। और 1/2 का होगा 2/1 दैट इज द 2 होगा। 1/√2 का क्या होगा, √2/1 मतलब √2 होगा। √3/2 को क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखें तो साइन जो 1 का जो है 1 का क्या होगा, 1 ही होगा। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा आपका, 1 ही होगा, तो यहाँ पे आपका 1 लिख देते हैं। तो ये आपकी टेबल तैयार होगी आपका, ये वैल्यू आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, ताकि जो है आपको बाकी सारे टर्म्स में फंडामेंटल वैल्यू होता है ये आपको सारा वैल्यू कम से कम इसको याद रखें इस चीज़ को, ठीक है। जो साइन 90 क्या होगा, साइन 30 क्या होगा, साइन 45, जैसे आपको हम ट्रिक से बताएं आपको उस चीज़ को याद रखें। पहले जो साइन का वैल्यू आप रखें, ठीक है, साइन का वैल्यू को हम ट्रिक बता देते हैं आपको, ठीक है। जो साइन का वैल्यू सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे, उसके बाद जो है इस चीज़ को क्या करेंगे, साइन का वैल्यू को याद रखने के बाद आप लोग को और कॉस के लिए आपको जस्ट उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। आपको पता होगा जो बैक से इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर टेन के लिए आपको साइन बाई कॉस करना पड़ेगा। और फिर एज इट इज जैसे आपको बताया कि साइन जो है रेसिप्रोकल होता है कॉसेक का, तो कॉसेक के लिए साइन के लिए कॉसेक का वैल्यू साइन का अपोजिट होगा। फिर आपका जो सेक का वैल्यू होगा कॉस का रेसिप्रोकल होगा, और कॉट का जो वैल्यू होगा टेन का रेसिप्रोकल होगा। तो स्टूडेंट ये आपको दिमाग पे रखना है, याद रखना है इस सारी चीज़ों को, ताकि ये आपकी जो जो टेबल जो है ये सारी टेबल जो आपका अच्छे से हो जाए, टेबल में आपको जो है सारा वैल्यू आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये वैल्यू आपका क्लास टेंथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, और आप इसको जो है प्रैक्टिस करें कहीं भी अगर हो, और ये जो ट्रिक है ट्रिक से आप आगे बढ़ें, ताकि जो है आपको बार बार इसके ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े।
जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो अपना खुद से वैल्यू कैलकुलेट करके निकालेंगे। ऐसा नहीं कि आप टेबल आप फिर से बार बार अपने सामने टेबल रखेंगे और बार बार टेबल आपको इसमें टेबल पर डिपेंड नहीं होना है। आपको खुद पर हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल टाइम पे आपको 3-4 में आपको गलती मिले, लेकिन ये आपकी इसके बाद जो है धीरे धीरे आपकी कोई जो पॉसिबिलिटी होगा जो गलती की पॉसिबिलिटी होगा बहुत कम होती जाएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर आपको थोड़ा सा 180 का वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले जो 180 का जो वैल्यू होगा साइन इसका जो है इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस जीरो हो जाएगा, फिर कॉस का जो होगा ये माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। ये कॉस का माइनस वन हो जाएगा और ये जो होगा फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है। टेन का जीरो हो जाएगा, उसके बाद जो है कॉट का जो होगा कॉट का नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। कॉट का नॉट डिफाइन हो जाएगा और सेक थीटा का जो वैल्यू होगा सेक थीटा का जो होगा वो माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक थीटा का जो होगा कॉसेक 180 का जो होगा वो आपका नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा ये चीज़ है। अगर आपके पास ये 360 का हो तो 360 का भी बना सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन मिनिमम आपको जो है 180 तक याद रखना चाहिए, ठीक है। अगर आपको 360 का चाहिए तो 360 का भी आप वैल्यू आराम से इसको निकाल सकते हैं। आपको जब आपको वैल्यू सिखाएंगे निकालने के लिए तो आप उसको निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आप 360 का अगर लिखना चाहते हैं तो आप 360 का लिख सकते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि ये आपका जो है फंडामेंटल पार्ट होगा आपका, इसमें आपको समझ में आ जाएगा ये सारा, ये इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अगर आपका साइन का वैल्यू देखा जाए तो साइन का वैल्यू जो होगा जो साइन का जो वैल्यू होने वाला है साइन 360 का ये आपका जीरो होने वाला है, ठीक है। और कॉस का जो होगा माइनस ये आपका वन होगा, ठीक है। ये वन हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट जो होगा नॉट डिफाइन होगा, ठीक है, नॉट डिफाइन होगा। फिर जो होगा आपका ये जो है सॉरी नॉट डिफाइन होगा, उसके बाद जो है आपका जो वैल्यू ये निकलेगा आपका नॉट डिफाइन के बाद वन होगा, फिर ये आपका नॉट डिफाइन होगा, ठीक है, नॉट डिफाइन होगा आपका। तो ये वैल्यू आप थोड़ा सा इसको याद करें, ठीक है। आप सबसे पहले जो है आपका जो फ्रेम है फ्रेम में आपको आ जाएगा 90 आ जाएगा 180 आ जाएगा 360, एक 270 भी आता है, वो आपको हम कैलकुलेट करके सिखा देंगे उसको कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो आप ये सारे वैल्यू को कम से कम उसको याद रखें, नहीं तो कम से कम ये तो आपका फंड ये तो आपका पार्ट ना आप जो है बाद में भी करेंगे, लेकिन ये सारे वैल्यू को आप इसको याद रखेंगे इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग जो आपको हम बताने जाने वाले हैं वो चीज़ आप देखें। सबसे पहले आप ये चीज़ को देखें जो साइन का जो वैल्यू है, आप क्या यहाँ देखें ये जो साइन का वैल्यू यहाँ पे जीरो से कहाँ तक आया वन तक आया, तो इसका मतलब इधर भी आपका कहीं वो सही पीरियडिक फंक्शन वैल्यू होता है, ठीक है। साइन थीटा एक पीरियड की तरह काम होता है, ठीक है। जो साइन थीटा जो होगा वो आपका जो हो एक पीरियड और कॉस थीटा दोनों पीरियड में आता है, ठीक है। मतलब वो क्या होगा माइनस वन टू वन, इसका वैल्यू हमेशा इसी के बीच रन करेगा। आप कितना भी ले लें साइन 100 440 कुछ भी ले लें आप, ठीक है, इसका साइन में और कॉस में, तो उसका जो वैल्यू होगा हमेशा जो होगा वो आपका माइनस वन और वन के बीच, यानी साइन थीटा एंड कॉस थीटा। यू कैन राइट इट दैट साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज द पीरियोडिक फंक्शन एंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस वन टू वन, ठीक है। ये जो है माइनस वन और वन के बीच ही इसका वैल्यू लाई करेगा, मतलब मैक्स इसका मिनिमम वैल्यू माइनस वन होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बिटवीन नहीं बोल सकते हैं आप, क्योंकि ये भी अलग वैल्यू भी लेना पड़ेगा, इसलिए हम इसको इंटरवल में डाल दिए। माइनस वन और वन के बीच इसका वैल्यू लाई करेगा, ठीक है। टेन थीटा के लिए आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, टेन थीटा के लिए आपको कोई परेशानी ना ले हो, क्योंकि टेन थीटा के लिए आपको कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, टेन थीटा के लिए। क्योंकि ये देखिए ये आपका 10, 12, 13 कुछ भी हो सकता है, लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा जो है टेन थीटा एक पीरियोडिक फंक्शन आपका जो है यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन की तरह हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे इसको। तो हम लोग यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन में दो चीज़ आता है, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा। तो कॉस थीटा दोनों का वैल्यू जो होगा माइनस वन टू वन होगा, और ये टेन थीटा जो होगा वो कोई भी रियल नंबर होगा। बाकी एजिटिज आप उसको रेसिप्रोकल करें तो आपका ये सारी चीज़ आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है, इसका सारी चीज़ निकल जाएगा। जैसे कि आप अगर ये माइनस वन में वन को मतलब ये पूरा रियल नंबर में ये इसको अगर सब्सटेट करेंगे तो आपका सेक थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू आपका आ जाएगा। जैसे कि जैसे इसका जो रियल नंबर में जो भी होगा कॉस जो भी इसका वैल्यू आएगा आपका रियल नंबर में उसमें ये चीज़ आपका नहीं आने वाला सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो आप इस टेबल को याद रखें, थोड़ा सा इस टेबल को और एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे आपको ये वैल्यू सब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये चीज़ आप देखें समझ के देखें इस चीज़ को आप।
ये जो व्हीकल है थोड़ा सा आपको यार समझे, ताकि आपको ये टेबल पे कन्फ्यूजन ना हो, ताकि इस टेबल को हम लोग यूज़ कर सकें अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा यूज करेंगे। और नेक्स्ट थिंग जो है, आपको ये टेबल जो है आपके दिमाग पे होना चाहिए, बार बार जो है लिखना नहीं है। जब भी क्वेश्चन आप कर रहे, क्वेश्चन आए आपका जब भी पार्टिकुलर एंगल के लिए, तो ये आपका जो है वैल्यू कैलकुलेट खुद से करें और खुद से इसको लिखें, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग दैट इज़ द, यू कैन सी वन ऑफ द थिंग दैट इज़ द, हियर इज द जीरो, ओके, हियर इज द वन, हियर इज द टू, हियर इज द थ्री, हियर इज द फोर। ये हम ले चुके हैं जीरो से लेके फोर तक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ले लेते हैं जीरो डिग्री, ये लेते हैं हम लोग 30 डिग्री, ये लेते हैं 45 डिग्री, ये लेते हैं 60 डिग्री, ये लेते हैं 90 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको, ये तो पहला स्टेप हुआ। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पूरे को फोर से डिवाइड कर देते हैं। क्या होगा देखिए, आप जीरो बाई फोर एंड हियर इज द वन बाई फोर, हियर इज द वन टू बाई फोर, हियर इज द थ्री बाई फोर, हियर इज द फोर बाई फोर, ओके, ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें आप क्या आएगा, जीरो बाई फोर आपको पता होगा, फिर इसका सारे का रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, जीरो बाई फोर यहाँ पे क्या होगा, कोई कोई भी चीज़ से अगर करते हैं यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वन बाई फोर को देखिए आप, तो ये आपका रूट अंडर वन बाई फोर होने वाला है, ठीक है। और ये टू बाई फोर इसको अगर कटाएंगे आप तो होगा वन बाई रूट वन बाई टू, और इसे आ जाएगा आपका रूट अंडर थ्री बाई फोर, और ये आपका आ जाएगा वन। सारा का कैलकुलेशन कर लें आप, यहाँ पे इसका तो वैल्यू हो जाएगा आपका इतना जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वन बाई टू हो जाएगा, ये आपका क्या होगा वन बाई रूट अंडर टू हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना रूट अंडर थ्री बाई क्या आ जाएगा टू आ जाएगा, ये आपका वन आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो है आपका साइन थीटा का आ गया, ठीक। ये वैल्यू जो है आपका देख लें, ये आपका वैल्यू साइन थीटा का आ गया। साइन जीरो का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। साइन थर्टी का वन बाई टू होगा। साइन 45 का क्या होगा, वन बाई रूट अंडर टू होगा। साइन 60 का रूट अंडर थ्री बाई टू, और साइन 90 का होगा। तो आप इसी से फंडामेंटल पार्ट तो आ गया, बाकी आपको पता होगा कॉस के लिए क्या कैसे निकालते हैं हम लोग, बाकी ये आपको पता होगा कॉस के लिए हम लोग जो निकालते हैं कैसे, जस्ट इसका अपोजिट कर रेसिप्रोकल इसका, जस्ट इसका पीछे से अगर लिखना स्टार्ट करेंगे, जैसे ये कॉस थीटा के लिए आपको तो क्या हो जाएगा, आप इसी को यूज करेंगे हमेशा वन, ये फिर क्या आ जाएगा आपका रूट अंडर थ्री बाई टू, फिर क्या आ जाएगा वन बाई रूट अंडर टू, फिर क्या आ जाएगा वन बाई टू, और ये क्या आ जाएगा जीरो, ठीक है। फिर इसके लिए आपको क्या करेंगे, टेन थीटा के लिए आपको बता चुके हैं, दोनों को ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ से टेन थीटा आ जाएगा। तो इस तरह करके स्टूडेंट्स आप जो है इसका यूज करेंगे, ताकि जो है आपको ये क्लियर समझ में आ जाए। ये सारे टेबल ये खुद बाई खुद बनाएंगे, बाकी सारे जो है इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको परेशानी ना होगा, ठीक है, इस 90 तक एंगल में। तो स्टूडेंट्स आपको जो है ये सारी चीज़ों को याद करना पड़ेगा, और उसकी वजह से इस टेबल का हम लोग एप्लीकेशन सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, थैंक यू।